और चलिए सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम अपने आवास से निकले भजनलाल शर्मा। आज दूसरा दिन है इनका दिल्ली में और ये दूसरा दिन का दौरा है दिल्ली में, क्योंकि देखिए जल्द ही कैबिनेट का गठन होने वाला और उसको लेकर लगातार हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। ये काफिला जो है वहां से निकल गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी राजस्थान पर। काउंटडाउन शुरू हो गया है कैबिनेट का और ये कैबिनेट गठन को लेकर अब लगातार जो चर्चाएं हो रही थी और जिनके बारे में बात की जा रही थी कि कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जिनको इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली में दूसरा दिन है और उसी को लेकर लगातार आज पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी और साथ ही कई बड़े सांसदों से भी मुलाकात होगी। और उसके बाद में आपको बता दें कि एक से दो दिनों में मंत्रिमंडल का गठन भी कर लिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र क्योंकि उदयपुर दौरे पर हैं और जब वो वहां से लौटेंगे उनके लौटते ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल के दौरे का आज दूसरा दिन है दिल्ली में और आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो जोधपुर हाउस से निकले हैं सीएम भजनलाल, ये तस्वीर उनके काफिले की है जहाँ पे वो रुके हुए थे जोधपुर हाउस में, और वहां से अब ये काफिला निकल चुका है। तो देखिए काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ और ये क्योंकि दूसरा दिन है जोधपुर हाउस से निकले हैं सीएम भजनलाल, ये आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो चेहरे सामने आ रहे थे, कौन सी जातिगत समीकरण भी इस बार देखा जाएगा और साथ ही युवाओं को महिलाओं को भी इस बार मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या कुछ इसमें रहता है, क्या कुछ फेरबदल, क्या कोई बड़ा फेरबदल भी इस बार किया जा सकता है मंत्रिमंडल गठन को लेकर, ये भी देखना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका रुख करते हैं। निजाम, सीएम अपने जोधपुर हाउस से रवाना हो चुके हैं, काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ और ये लाइव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ हलचल है वहां पे फिलहाल, क्या आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें? तो देखिए हमारे सहयोगी जैसा कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि काफिला आगे बढ़ता हो क्योंकि आज बेहद ही खास मुलाकात है, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज बैठकों का दौर भी रहेगा, आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर अब ये बैठकें शुरू हो जाएंगी आज से, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो बेहद ही जरूरी हो गया है, अब इसे लेकर एक दो दिन की जानकारी दी है कि एक दो दिन में ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अगर हम बात करें जाति समीकरण की तो उसे भी साधने की कोशिश की जा सकती है, जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर भी राजस्थान में कई सारी चर्चाएं हुई थी, उससे बीच में जिस तरीके से बीजेपी ने सब कुछ पलट दिया और एक ब्राह्मण चेहरा जब सामने आया तब हर कोई चौंक गया, तो हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल में भी इस तरीके का कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिले। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्योंकि आज मुख्यमंत्री की पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है और ये काफिला देखिए
जोधपुर हाउस से निकला है कड़ी सिक्योरिटी के साथ में और कई गाड़ियों को लेकर यह काफिला बड़ा है और हम आपको इस पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। और ये संसद भवन पहुंच चुके हैं सीएम भजन लाल। ये तस्वीर आपके सामने, लाइव तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। निजाम का रुख करते हैं। निजाम, काफिला आगे बढ़ता हुआ संसद तक पहुंच गया है और आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो यही है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो संसद भवन के अंदर सदन के अंदर ही जो है मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही कह सकते हैं प्रधानमंत्री से भी जो है मुलाकात का कार्यक्रम सामने आ रहा है, जो कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं और इसके साथ ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी जो है वहीं मुलाकात कर सकता है। तो वो सदन में पहुंच चुके हैं फिलहाल और कभी भी जो है उनकी मुलाकात जो सभी राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं उन सभी से जो मुलाकात है वो होगी। बिल्कुल निजाम, आप लगातार नजर बनाए रखिए और आपसे हम अपडेट ले रहे हैं। तो किस तरीके से निजाम इस बार लग रहा है कि तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल इस बार कैसा नया हो सकता है? क्या कुछ चेहरे इसमें बदल सकते हैं? किनको तवज्जो दी जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए कि आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से ये दूसरा दौरा, एक सप्ताह में दूसरा दौरा है मुख्यमंत्री का, जब अगर कहें तो ये लगातार जो कह सकते हैं आपकी मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर जो है ये कवायद चल रही है, उस कवायद में आज देखिए कि ये जो अब जो मुलाकातें हो रही है उस मुलाकातों का यही मायना है कि जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं उन पे जो है फाइनल मुहर जो अभी लग जाएगी एक तरह से कहें। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि संसद परिसर में वो पहुँच चुके हैं सभी और साथ ही अभी जो रूट लगे हुए हैं रूट लगा है पीएम का भी, पीएम भी पहुँच रहे हैं, कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि 11 बजे HD देवगौड़ा के साथ उनकी मुलाकात है। तो उस मुलाकात से पहले जो है ये मुलाकात हो सकती है। अगर साथ ही दूसरी बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की बात सामने आ रही है कि वो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात आज पीएम मोदी से होने की है जो हमारे पास जो भी जानकारी निकल आ रही है, क्योंकि पिछले दौरे के अंदर पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी मुख्यमंत्री की, तो ये मुलाकात जो है मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, तो मुलाकातों मैं सिक्योरिटी कारण से मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। मैं ठीक है निजाम, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम और अपडेट लेंगे। और देखिए, अब जैसा कि मेरे सहयोगी निजाम बता रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसको लेकर ही संसद पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच जाएंगे। और क्योंकि आज दिन भर मुलाकात का दौर रहने वाला है और इसको लेकर ये एक बड़ी बैठक भी इसको कह सकते हैं, नई सरकार के मंत्रिमंडल में क्या कुछ चीजें नई हो सकती है, क्या जातीय गणित इस बार लग सकता है ये देखना होगा, कौन से विधायकों को तवज्जो दी जाएगी, किसके पास कौन सा बड़ा विभाग आ सकता है, ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिर से लौटते हैं निजाम के पास। निजाम, क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल किस तरीके की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अगर कहें बात तो अब संसद भवन के अंदर हैं मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी, जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है वो भी अब पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और अमित शाह दोनों से अभी जो है मुख्यमंत्री पहले मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद जो है अभी पीएम मोदी से वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें जो है मेरे सहयोगी जो संसद भवन के अंदर हैं उनसे हमने कहा है वो पहुँचाए हम तक, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ती है कि आज जो है उस चीज पे मोहर लग जाएगी, उस लिस्ट पे मोहर लग जाएगी जो राजस्थान के कह सकते हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल नए मंत्रिमंडल को लेकर अब तक जो कवायदें की जानी थी। ये एक शिष्टाचार मुलाकात भी है क्योंकि कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो अगर कहें तो यहाँ आकर एक तरह से शुक्रिया अदा करना या उनका मिलना एक शिष्टाचार मुलाकात जरूरी थी, तो ये मुलाकात उसके भी मायने है। और दूसरा, अब आज दोपहर कभी भी यहाँ से 12 बजे का समय है जब वो वापस निकले
खुलेंगे, लेकिन अब इसमें 1 बजे तक का माना जा रहा है कि 1 बज सकते हैं इसमें, और उसमें 1 बजे के बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो सकते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद वो विधानसभा की जो कार्रवाई है करीब 2 बजे के बाद की 2:30 बजे उसमें शामिल होंगे, और साथ ही अगले एक दो से मतलब रविवार तक जो है मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही ये भी चर्चाएं कि जिस तरीके से सांसदों ने मुलाकात की थी आज, सारे सांसद लगा देखिए कि 5 के करीब सांसद आए हैं, विनोद तावड़े आए हैं राष्ट्रीय महासचिव जो कि पर्यवेक्षक भी रहे हैं, तो सभी ने मुलाकात की है, तो ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है सांसदों ने। कल भी कुछ सांसदों से मुलाकात हुई थी, सीपी जोशी से भी मुलाकात हुई थी, तो ये पूरा जो दूसरा दौरा है और आज दूसरा दिन है दौरे का, तो ये दौरा इसी को देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की फाइनल मोहर आज लगी जाएगी और इसके बाद राजस्थान के नए मंत्रिमंडल के जो नए चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल निजाम, क्या गणित इस बार सियासी गणित देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा में एससी समाज से सबसे ज्यादा यानी कि 23 विधायक है। अगर हम बात करें अलग अलग समाज की तो राजपूत के 17, एसटी के 16, ब्राह्मण के 12 और ऐसे कर करके अन्य अगर समाज की बात करें तो काफी सारे इसमें गणित समझ में आते हैं। तो भाजपा ने जैसे ही राजस्थान में ब्राह्मण समाज के भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, उसके बाद एक तो कह सकते हैं कि वहां पर ब्राह्मण को लेकर के एक जब उन्होंने कार्ड प्ले किया तो एक पकड़ मजबूत हो गई। तो इसी तरीके से राजपूत और दलित समाज से डिप्टी सीएम बनाकर सियासी संदेश उन्होंने दिखा दिया, तो मंत्रिमंडल के गठन में भी क्या इस तरीके का सियासी गणित देखने को मिल सकता है? देखिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण बनाने के पीछे जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो कह सकते हैं पार्टी का जो सामंजस्य होता है, जातीय समीकरण होता है, उसको बैठाना था, और इस जातीय समीकरण में एक तरह से कहे देखिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों में मुख्यमंत्री बनाए गए, एक जगह आदिवासी, एक जगह ओबीसी से, और दूसरी तरफ तीसरी जगह जनरल से। जनरल के तहत ब्राह्मण वर्ग से चुना गया, क्योंकि देश में अगर आप देखेंगे बीजेपी के शासित राज्यों में तो हेमंता बिस्वा सरमा के बाद जो भजनलाल शर्मा दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, ऐसे में पूरे देश में चूंकि मुख्य ब्राह्मण और ब्राह्मण बनिया के साथ ही अगर कहें तो राजपूत जो है पूरे देश भर में एक कोर वोट बैंक बन गया है बीजेपी का, और ऐसे में वो अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एक साधना जरूरी था। लेकिन अब इस समीकरण से राजस्थान के जो समीकरण है वो थोड़े से इधर उधर हो गए, यानी कि पहले से प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो ब्राह्मण है, इसके साथ ही अगर दूसरी बात देखें राज्यपाल चूंकि ये संवैधानिक पद होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आती है कि इस जो बातें होती है चर्चा में वो सारी चीज़ें इसे, तो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है और साथ ही मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है, तो निस्संदेह अब जो है कुछ चीज़ें बदलेगी, जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय जाट वर्ग को दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल होगा उसमें चूंकि देखिए अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े 23 से ज्यादा विधायक है, 23 विधायक है, ऐसे में उनमें से 3 विधायकों को जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने जो है महिला आरक्षण बिल पास करके एक बड़ा दांव चला था, तो क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में इस बार जो गठन किया जाएगा महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें भी कई सारे दावेदार भी है? बिल्कुल, देखिए कि मंत्रिमंडल में अगर ये 15 से 17 तक का मंत्रिमंडल होता तो उसमें 3 से 4 महिलाओं का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कि अनीता बदेल है, नौकसम चौधरी है, इसके साथ ही दीप्ति माहेश्वरी है, तो इन लोगों का मतलब सामने आ रहा है नाम की सिद्धि कुमारी है, तो ये 4 नाम ऐसे जो लगातार चर्चाओं में है। इसके साथ ही शोभा चौहान का नाम जो है पिछले 2 से 3 दिन में चर्चा में आ रहा है, शोभा चौहान जो कि पाली जिले से आती है, मारवाड़ अंचल है, तो शोभा चौहान दूसरी बार जीतने वाली है, और उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री के सलाहकार और राजस्थान के पूर्व के सचिव निरंजन आर्य को आ रहा है, तो उनके भी नाम चर्चा में आ रहे हैं, तो कम से कम 5 से 6 नाम हैं, लेकिन उनमें 3 नाम को मुख्य महिला के तौर पे आगे लाया जा ठीक है, यानी कि 3 से 4 महिला विधायक भी इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है, जो कि क्योंकि इसके कई दावेदार हैं, लेकिन ये कुछ संभावित आंकड़े हैं जो हम जिस पर हम बात